दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये झटका उन्हें उस समय लगा है जब आज हाई कोर्ट से उनकी बेल पर फैसला होना है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लोअर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को लोअर कोर्ट से ऐसे वक्त में झटका मिला है जब आज दिल्ली हाई कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच कर रही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। उस वक्त राजनीति में काफी बवाल मचा था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। बता दें कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों से लिखित में ये बताने के लिए कहा कि आखिर गैर जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना वक्त और लगेगा, जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को दोपहर करीब 12 बजे की जाएगी। जाहिर है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और आज उनकी जमानत याचिका पर फैसले का दिन है, यानी कि आज उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले में फैसला लेंगी। 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद इस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत की मांग करते हुए जो दलीलें हैं उसमें कहा गया कि इस मामले में अभी भी ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और 6 पूरक चार्जशीट दाखिल की गई हैं। इस मामले में अभी भी जाँच हो रही है और अभी भी गिरफ्तारी की जा रही है। इस मामले में हाल ही में 3 मई को भी गिरफ्तारी की गई। मनीष सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने यह भी कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धन शोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है। तो वहीं ईडी और सीबीआई दोनों इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का उन्होंने विरोध किया कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां आज दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला होगा, तो वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें झटका दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।